इस लड़के को एक खतरनाक भेड़िया काट लेता है, लेकिन ये अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाता और खुद ही पट्टी करके स्कूल चला जाता है। जब यह क्लास में बैठा ही होता है तभी इसके साथ एक बहुत अजीब चीज होती है। एक सेलफोन की रिंगटोन काफी तेज तेज सुनाई पड़ने लगती है। ये अपने आसपास देखने पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब ये बाहर देखता है तो इसे एक लड़की दिखती है जो की रोड पर बैठी होती है और उसी का सेलफोन बज रहा होता है। तब लड़का को समझ पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लड़की क्लासरूम में आ जाती है। दोपहर हो जाती है और अब समय था गेम क्लास का। गेम क्लास में लड़के का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सभी उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका दोस्त कहता है कहीं ये वोल्फ के काटने से तो नहीं हुआ है। समय तो लड़का मना कर देता है, लेकिन जब वो घर जाकर अपनी पट्टी को खोलता है तो घाव पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसे अपनी दोस्त की बात का भरोसा होने लगता है। वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि दरवाजे को बहुत जोर जोर से खटखटा रही होती है। जब लड़का वहाँ पर जाता है तो वो बताती है कि उसे एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब वो उसको देखने जाता है तो कुत्ता उस पर बहुत तेज तेज भौंकने लगता है। इसलिए लड़का कुत्ते को मार देता है। क्या लगता है, क्या वो लड़की भी मारी जाएगी?